गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया जस्ट अभी, हमारे ना अंगूर की बेल पे चिड़िया के बच्चे थे, मतलब एक ही बच्चा था। तो कब वो कौवा होता है ना, तो वो आके उसके बच्चे को निकाल रहा था खाने के लिए, तो वो नीचे गिर गया हमारे फर्श पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो उसके माँ बाप बड़े परेशान हो गए, क्योंकि बच्चा उसको उनको दिखा नहीं वहां। उसके बाद उसके माँ बाप बड़े परेशान हो गए, और अभी उसके माँ बाप उसकी सेफ्टी के लिए वहीं पे खड़े हैं। और जो कौवा है ना, वो अभी भी आ रहा है उसको खाने के लिए। तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं दुनिया में यार, उस कौवे के भी तो बच्चे होते होंगे, क्यों दूसरे के बच्चे को अपना भोजन बना रहे हैं। मैं ऐसे ही अंदर, अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रही है सुबह के, तो मैं ऐसे ही अंदर अपना मतलब ब्रेकफास्ट बना रही, तो मैंने एकदम से उसके जो मतलब जो चिड़िया का बच्चा था ना, उसकी बहुत तेज आवाज आई। तो उसके बच्चे क्या होते, तो हम एकदम से बाहर गए कि क्या हुआ। तो तब तक देखा मेरे पाँव के नीचे ही दबने वाला था, मतलब नीचे नहीं देखा, हम तो ऊपर ही देख रहे थे, क्योंकि घोंसला ऊपर था, तो बच्चा नीचे गिरा हुआ था उसका। तो उसके बाद अभी हमने मतलब मेरे देवर ने उसके बच्चे को उठा के फिर उस घोंसले में रख दिया। तो उसके माँ बाप आ गए, मतलब चिड़िया के बच्चे के माँ बाप आ गए, उन्होंने देख लिया कि हमारा बच्चा सेफ्टी से है। तो अभी वो उसकी सेफ्टी कर रहे हैं वहां पर, कबूतर कौवा से उन्हें बचा, उससे बचा रहे हैं। तो बहुत बुरा लगा। तो मैं अभी मतलब अभी देख सकते हैं आप, मेरा होलिया बिल्कुल पसीना पसीना हो रखे, क्योंकि जस्ट अभी हमने ब्रेकफास्ट बनाया था, और बिल्कुल घर में सी पड़ा हुआ। आज मैं घर को साफ करना, अभी सफाई करूंगी, और नहा धो के तो मैं आ गई थी, पूजा वूजा कर ली मैंने, आज थोड़ा मैंने ऑयल लगाया हुआ है, बाल धोने हैं, थोड़ी देर में अपने बाल वॉश करूंगी। तो चलिए अपना नाश्ता करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस, अभी मैं करने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाई थी शिमला और न्यूट्री की सब्जी, शिमला प्याज और न्यूट्री की सब्जी है, और थोड़ी सी मैंने कर्ड लिया हुआ है दही, और 2 रोटियां ली हुई हैं, बस यही मेरा नाश्ता है। तो चलो पहले मैं अपना नाश्ता फिनिश करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। ओके, गाइज। सो अभी हो रही है शाम की 6:30, और मैं आ चुकी हूँ, मैंने चाय वही पी ली है। मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूमती हूँ, बट नहीं घूमूंगी अभी, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप है और गर्मी हो रही है। तो चलिए, मैंने सोचा शायद आप लोग ये सोचेंगे कि मॉर्निंग में मैंने आप लोग को दिखा देता है चिड़िया का जो बच्चा गिरा था नीचे, तो वो अभी कैसा मैं आपको बता देती हूँ। अभी वो ठीक है, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है चिड़िया का बच्चा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, वो देख रहे हो ना आप वहां पे, तो
तो अभी हमने क्या किया है, कोविड से बचाने के लिए इसके ऊपर एक दुपट्टा रख दिया था। तो दुपट्टा रखने के बाद वो अपने घोंसले से, वो वहाँ पे उसका घोंसला है, घोंसले से बाहर आ गया। और ये देखो उसके मम्मी पापा दोनों आ गए हैं उसकी सेफ्टी के लिए। आज ये पूरा दिन यहीं पे थे, इन्होंने कोई भी खाना वाना नहीं खाया, मतलब अपने लिए दाना लेने नहीं गए, ये अपने बच्चे की ही रक्षा कर रहे थे। तो ये हो छोटू सा, दिख रहा होगा आपको। तो देखा ना आप लोगों ने गाइस, अभी वो ठीक है बिल्कुल, उसके मम्मी पापा आज पूरा दिन उसके पास ही थे तो अभी ठीक है वो। और हमने ऊपर से देखो एक दुपट्टा डाला हुआ है उसके ऊपर से, जिससे कि जो वो कौवा था उसके पास दोबारा ना आए। सो चलिए यही आप लोगों को बताना था। और अभी हम करते हैं अपनी डिनर की तैयारी। तो मैंने सोचा चलो, मैं सोची थी बाहर घूमूंगी बट नहीं घूम सकते बाहर, बहुत गर्मी हो रही है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी हम लोग अंदर से देख रहे हैं, मतलब ये देख सकते हैं शीशा है हमारा, इसके अंदर से देख रहे हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं आ रहे अगर हम लोग वहां पे खड़े हो रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, तो हम छुप छुप के अंदर से देख रहे हैं। बाकी गाइस आज मैंने इयर रिंग नहीं डाली, और आपको बताया ना मैंने हेयर वॉश किए थे, कॉम नहीं किया है बालों पे, तो अभी मैं कॉम करूंगी। और अब मैंने इयर रिंग नहीं डाली, ये देखो मेरे कान ना फट से रहे हैं, इसलिए मैं आजकल इयर रिंग नहीं डाल रही हूँ, दर्द भी हो रहा है। तो चलो थोड़ा बालों पे कॉम कर लूँ, बहुत ज़्यादा। लोग पापा आम लेके आए, इनको हमने अभी पानी में भिगो के रखा हुआ है, फिर धो के अंदर ले जाएंगे। और ये भी हैं, इनको तुरइये बोलते हैं ना, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। तो ये भी हमने अभी पानी में भिगो के रखे हुए हैं, धो के इसको अंदर ले जाएंगे। तो गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं घिया की रसीलीदार सब्जी। हाँ जी, जो घिया की सब्जी होती है ना पानी वाली, जिसको काफी लोग तरी वाली सब्जी बोलते हैं, वो सारी सब्जी हम बनाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 से 3 घिया कट की थी, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने घिया कट की थी। और तो यहाँ पे मैंने रख लिया है कुकर गर्म करने को, तो कुकर में मैं डाल रही हूँ घी, क्योंकि घी में ही ये सब्जी काफी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, तो जीरा हमारा पक चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन कट किए हुए थे, लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ। लहसुन के साथ साथ ही मैं यहाँ पे प्याज भी डालूंगी, 2 से 3 प्याज मैंने कट किए हुए थे, प्याज को भी डाल दूंगी। और प्याज को तब तक फ्राई करूंगी जब तक प्याज का कलर थोड़ा हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए। तो प्याज का कलर हमारा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घिया जो हमने कट करी हुई थी। तो मैं घिया को इसमें अच्छे से मिला लूंगी, और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी पहले डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमारी सब्जी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी अरहर की दाल ली है, ये इसीलिए ली है क्योंकि मेरी फैमिली में काफी सारे मेंबर्स को घिया ज्यादा पसंद नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा इसमें अरहर मिक्स कर दें तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी, और हमारी जो रसीलीदार घिया की सब्जी है वो थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए, मतलब रोटी में खाने लायक हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे भी ऐड कर रहे हैं, ज्यादा मैंने नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया है। और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी घिया, और कुछ देर के लिए गाइस मैं इसे ऐसे ही ढक के रख दूंगी, वो इसीलिए ताकि हमारी घिया, ताकि आप लोगों को पता है ना घिया पानी छोड़ती है, तो वो इसीलिए मैंने रखा हुआ है कि घिया जो हमारी घिया है वो अपना जो मॉइस्चर होता है ना उसके अंदर उसे छोड़ दे, ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इसमें कितना पानी और ऐड करना है। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और हम एकदम से इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है कि ज़्यादा पानी हमारी बन जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा मतलब तरी वाली सब्जी नहीं बनानी है, हल्का सा ही पानी डालना है। तो इसीलिए मैंने कुछ देर के लिए इसे ढक दिया है,
और अभी मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। तो मसाले में सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया हुआ है 1 से 1.5 चम्मच, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया हुआ है, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। गाइज मे भी आप लोगों को मेरा कैमरा थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि मैं खाना भी बना रही थी, साथ में मेरे हाथ में फोन भी था, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत लग सकता है। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी गाइज मैं, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्जी मसाला, और सब्जी मसालों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 से 6 टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि इसमें टमाटर ग्राइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग रसीलीदार सब्जी बना रहे हैं। तो टमाटर में मैंने ऑलरेडी हींग ऐड किया हुआ था, तो इनको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और देखूंगी कि मुझे कितनी ज़्यादा इसका रस बनाना है, यानी कि कितनी ज़्यादा रसीलीदार सब्जी बनानी है, उतना ही पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। तो हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड और किया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं हमारे इतनी ज़्यादा सब्जी में पानी हो चुकी है, क्योंकि कुछ तो घिया ने पानी छोड़ दिया था और कुछ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो अब गाइज मैं इस कुकर पे सीटी लगा दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसे फुल आंच पे रखूंगी, मतलब गैस की जो आंच होगी फुल होगी, मीडियम नहीं करूंगी। 5 से 10 मिनट होने के बाद मैंने अपने गैस को बंद कर लिया था, और आप लोग देख सकते हैं हमारी जो घिया की रसीलीदार सब्जी है वो बन के रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी गाइस इसकी सब्जी होती है, एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं गाइज यहाँ पे बनाने जा रही हूँ रोटी, क्योंकि डिनर का टाइम था तो हम रोटी ही ज्यादा डिनर के टाइम पे बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है गाइस नेक्स्ट डे की वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कौवे की वजह से वो चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, और अभी आप लोग खुद देखिए ये दो कौवे फिर से आ गए हैं उस बच्चे को देखने के लिए कि वो कहाँ पे है और क्या है। तो ये बच्चा नीचे गिरा हुआ था, मतलब हमारे फर्श पे नहीं था, कोई बगल वाला हमारा घर था उसके फर्श पे गिरा हुआ था, तो मैं उसे वहां से उठा के मैंने अपने पास रख लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अपने हाथों में रखा हुआ है ताकि कौवे इसे देख ना पाए और ये बचा रहे। ये देख सकते हैं आप, ये पकड़ा हुआ है मैंने, ये प्यारा सा ये उड़ रहा है, और अगर ये उड़ेगा तो इसे ये कौवा खा लेंगे, इसलिए मैंने इसे अपने हाथ में ऐसे संभाल के रखा हुआ है। इसके मम्मी पापा इसे ढूंढ रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं ये मेरे हाथ में है, लेकिन अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगी तो ये उड़ जाएगा, और ये उड़ गया तो कौवे इसे खा लेंगे, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा हुआ है। सो गया बेचारा, डर रहा है मुझसे। तो अभी मैंने इसे अपने ये बाउंड्री पे रख लिया था, मैं मेरे को लगा कि इसके मम्मी पापा इसको देख लेंगे, क्योंकि कौवे को मैंने भगा लिया था, बट इसके मम्मी पापा ने इसको देख लिया था, लेकिन ये फिर उड़ के नीचे गिर गया है। आप लोग देख सकते हैं ये गुलाब की टहनी पे बैठा हुआ है। तो मैं ज़्यादा देर तक इसको यहाँ पर देख नहीं पाई क्योंकि 11 बज गई थी और बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो घर वालों ने बोला कि रहने दे, अब जो भी होगा उसके मम्मी पापा देख लेंगे उसको, तो उसके बाद मैं अंदर आ गई। उसके बाद जो हमारा घोंसला था मैंने शाम को देखा था, जो घोंसला था तो वो घोंसले में नहीं आया था, मे बी ये उड़ गया होगा, क्योंकि ये बच्चा जो चिड़िया का बच्चा था वो उड़ रहा था लेकिन अच्छे से नहीं उड़ पा रहा था, मे बी उड़ गया होगा और मे बी कौवे उसे ले गए होंगे, ये मुझे पता नहीं है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको बचाने के लिए, बट अब जो उसका लक था वो मुझे नहीं पता कि वो बचा है या जिंदा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं कल से अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, और कल मैंने डिनर बनाने के बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो ही गया है और वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, तो आज मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगी। तो गाइस देखना आप लोगों ने कैसे एक, मतलब एक होते है ना इंसानों में, तो होता ही है, एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है, दूसरे का बुरा चाहता है, आज के डेट में तो यही है।
अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आजकल गाइस ऐसा ही है, हर कोई चाहता है कि इसका बुरा हो लेकिन मेरा भला हो, तो वही जानवरों में भी है। देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से, जो मैंने बताया था आपको कौवे, वो किस तरीके से उस चिड़िया को खाने आ रहे थे, उसके बच्चे को। भाई वो उस कौवे के भी तो बच्चे होंगे, अगर उसके बच्चे को भी कोई बड़ी और बड़ी चिड़िया ले जाए। लेकिन वही है ना, आजकल लोग दूसरों के पीछे पड़े हैं कि मतलब इसका घर बर्बाद करना है, इसके बच्चों को मारना है। मतलब आजकल जो हो गया ना, उसमें ये हो गया कि इसके बच्चों को मारना है या फिर इसका घर बर्बाद करना है, वही हो गया है। इंसान में तो है ही पर्वती, लेकिन ये अब जानवरों में भी हो रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की उस चिड़िया के बच्चों को बचाने का, और जस्ट अभी मैंने देखा, अभी वो उड़ने लगी है, तो उड़ने के बाद भी आज भी कौवे उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो पता नहीं, मुझे तो ये था मैं कब तक गर्मी में खड़े रहती हूँ उसको पकड़ के, लेकिन मैंने अपने हाथ में उसको रखा हुआ था, कौवों से बचा रही थी मैं उसे, लेकिन अभी मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि टाइम अभी 11 बज गई है सुबह की, तो गर्मी बहुत हो रही है बाहर, तो मैं काफी देर तक खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो उड़ रहा है, साथ में उसके मम्मी पापा उसकी रक्षा कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उसको कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। फिर भी जो कौवे हैं वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो देखते हैं क्या होता है, शाम तक ही देखूंगी। अभी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रही है, तो बाकी जो भगवान की मर्जी होगी वो उसके साथ होगा। एनीवे गाइस, चलो अब ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को मिलती हूँ अपनी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।